हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक अपडेट में बात करते हैं KGF 3 से रिलेटेड आई हुई डिटेल्स के बारे में, जो कि हाँ इस फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड है। जो अगर आपको स्पॉइलर लगता है तो उसकी वार्निंग अभी ही देते हुए आगे बढ़ूं, तो ये फिल्म हमारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहीं ना कहीं अपनी इसी रिपोर्ट में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बता देती है कि ये फिल्म असल में KGF 3 तो है, लेकिन KGF 2 का एक ऐसा प्रीक्वल जिस अधूरी कहानी को हमने KGF 2 फिल्म में देख लिया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ साल 1978 से लेकर 81 तक की, जिस बीच यश यानी कि रॉकी भाई कहीं और नहीं बल्कि US के साथ साथ 16 और मुल्कों में घुमा था। और हाँ, ये सभी दावे उसी CIA की लिखी हुई फाइल में है जिसका टीज भी हमें फिल्म के एंड में दिया गया था, जिससे अब यही लगता है कि ये फिल्म उस टाइम एरा के साथ साथ रॉकी भाई की मिस्ट्री को भी सॉल्व करेगी कि असल मायने में वो फिल्म के एंड में मरे भी थे या नहीं, जिसके चांसेस ना के बराबर ही लगते हैं। लेकिन बात रही सोने की, तो समंदर के बीच पूरा सोना डूब चुका था, जो अब वहां से कैसे निकलेगा और उन सभी की सिचुएशन को फिल्म में कैसे दिखाया जाएगा, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब को जानने के लिए हमें अच्छा खासा वेट भी करना है। लेकिन अब उससे हटकर सीधे बात की जाए फिल्म के प्रोडक्शन की, तो अगेन सोर्सेज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम फिलहाल तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के मंथ से शुरू कर दिया जाएगा। यानी वो कहते हैं ना कि ऑफिशियली तौर पर फिल्म की सारी चीजें राइट ऑन ट्रैक चलेगी, जिसके पहले हुम वाली प्रोडक्शन Salaar 1 को तो निपटा ही चुका है, लेकिन Salaar 2 को भी निपटाना चाहेगा। और गेस व्हाट, फिल्म के फर्स्ट पार्ट के ही प्रोडक्शन में सीक्वल से रिलेटेड भी कई सारे पोर्शंस को शूट कर रखा गया है, जिससे अगेन एक और बात भी पता चल जाती है कि Salaar 2 को लेकर मेकर्स ने अपना होमवर्क पहले ही दो पार्ट्स के तौर पर कर लिया था। लेकिन अब इस तरीके की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यश का एक और प्रोजेक्ट जो जल्दी अनाउंस होने वाला है, उसके प्रोडक्शन को लेकर के क्या किया जाएगा, अगेन वो अब एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि यश का लुक KGF के यूनिवर्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे अभी तो मुझे लगता है कि यश अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन खैर, अब पार्ट 3 या फिर कह लो KGF के यूनिवर्स का प्रीक्वल और आगे की कहानी बताने वाला सीक्वल Salaar से जाकर कनेक्ट होता भी है या नहीं, उन सब का जवाब फिलहाल तो मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी थ्योरी इंटरनेट पर अवेलेबल है उसी से काम चलाना होगा। बाकी जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है, जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।